क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, 2x + 3y = 5xy, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ओके okay? तो ध्यान दें बच्चों, यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड इन्होंने दिया है, इन्होंने क्या गलती करी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x + 3y। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या 2 और 3 को ऐड कर दोगे आप, 2 + 3 = 5 कर दोगे और साथ में xy? नो, ये दोनों तब ऐड होते बच्चों जब आपके पास ऐसे दिया होता 2x + 3x होता, जब लाइक टर्म्स होते। बच्चों ध्यान से चेक करें, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इसके पास x है, इसके पास y है, ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स आपके नहीं है। हाँ, अगर 2x + 3x होता, अगर ऐसा होता तब ये लाइक टर्म्स होते, 2 + 3 = 5 हो जाता, साथ में x, आंसर 5x आता, ठीक। या तो ऐसा होता 2y और +3y होता, दोनों के पास y हो या दोनों के पास x हो, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5, और साथ में क्या आ जाएगा, y। तो ये तो आंसर सही है, 2x + 3x = 5x और 2y + 3y = 5y। लेकिन अगर बच्चों यहां पर 2 के साथ x है और 3 के साथ y है, तो आप इसको कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हो, 2 + 3 = 5 और साथ में xy, दिस इज रॉन्ग, ठीक, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं, तो ऐड नहीं होंगे। या फिर ऐसा होता 2y + 3x, तब भी कुछ बच्चे इसको 2 + 3 = 5 करते हैं और x y पता नहीं क्या करते हैं, xy कर देते हैं, ये दोनों कभी ऐड ही नहीं हो सकते, ये दोनों मेथड गलत है, यहाँ x है, हमारे लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बच्चों वापस से सॉल्व करके कितना आएगा, तो जवाब है ये सॉल्व ही नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि 2x फर्स्ट टर्म है और 3y सेकंड टर्म है, ये ऐड ही नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, ओके okay? और हम फिर बोलेंगे कि भाई विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, ठीक है, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, सुन लीजिए ध्यान से, ये ऐसे ही रहेगा, 2 + 3 = 5xy नहीं कर सकते हो, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, तो हमने बोला दिस इज नॉट इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 5xy, और ये 5xy के इक्वल आएगा ही नहीं कभी, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो जवाब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वही सॉल्व होकर राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा, यानी कि दोनों ऐड नहीं हो सकते, ये लीजिए यही इसका लेफ्ट हैंड साइड है और यही क्या है इसका राइट हैंड साइड, सो 2x + 3y = 2x + 3y, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके, नोट कर लीजिए प्लीज।